अस्सलाम दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। हमारे पास यहाँ पे Xiaomi Poco F5 ग्लोबल वेरिएंट है जो कि रिलीज़ हो चुका है सऊदी अरेबिया में। आप जरीर बुक स्टोर से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएंट है मेरे पास, ये ग्लोबल वेरिएंट है, तो आप देख सकते हैं 1699 सऊदी रियाल का है ये जो मिल जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की प्राइस डिफरेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, आप देख सकते हैं Poco F4 की तरह का जो है बॉक्स है, और सेम टू सेम वैसे बॉक्स मैं कहूँगा जिस तरह हमने पहले भी Poco F4 की अनबॉक्सिंग की थी इस चैनल पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वेरिएंट जो है वो वाइट कलर में है, 12GB रैम है, 256GB इसकी जो है स्टोरेज है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाकी साइड पे बॉक्स पे। तो इसकी जो है अभी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ हमें मिल जाता है बॉक्स में। तो पहले तो इसको यहाँ से साइड से खोलता हूँ, और ये जो है दोस्तों आप ख़रीद सकते हैं अभी सऊदी अरेबिया में रियाद सिटी में जरीर बुक स्टोर में, आप लोग जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है यहाँ से अभी ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही Poco का कवर मिल जाता है येलो कलर में और ब्लैक फॉन्ट है। तो आप देख सकते हैं हमें सिम टूल मिल जाता है और अंदर हमें एक मैनुअल मिल जाते हैं। इसको जो है वैसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में है, अरेबिक में और इंग्लिश में है। तो इसको जो अभी हम साइड पर रखते हैं, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और साथ में हमें जो है कवर मिल जाता है, सिलिकॉन कवर केस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसको एकदम प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप शुरू में परचेज़ करते हैं तो आपको फ्री में ये मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसको जो है अभी हम यहाँ से निकालते हैं साइड से। तो डिवाइस आप देख सकते हैं दोस्तों 7+Gen 2 है, इसको भी हम साइड पर रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या बॉक्स में हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो है एडाप्टर मिल जाता है, 67W का हमें फास्ट चार्जिंग का जो है एडाप्टर मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी बात है ये अभी भी एडाप्टर इंक्लूड करते हैं अपने मतलब डिवाइसेस के साथ। और यहाँ पे हमें टाइप सी केबल मिल जाती है, तो इसको मैं अभी जो है यहाँ से पील करता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 120Hz रिफ्रेश रेट है, 6.67 इंचज़ की एमोलेड डिस्प्ले है, 64MP जो है कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, बैटरी 5000mAh की जो है इसमें बैटरी है। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं पावर बटन है जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़ हैं। ये जो है साइड से दोस्तों ये प्लास्टिक है, अभी भी जो है मेटल फिनिश नहीं लगाई, आई बिलीव के प्लास्टिक ही है। बॉटम पे आप देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट है, सिम ट्रे है, डुअल सिम इसमें लग जाती है, लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है। टॉप पर हमारे पास दोस्तों हेडफोन जैक है, और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हेडफोन जैक अब इसमें है, और स्पीकर है साथ में, IR ब्लास्टर भी है। बैक साइड पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास 64MP का कैमरा है, बाकी जो आई बिलीव के 8MP का है और दूसरा जो है मेरे ख्याल से 2MP का, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Poco F5 का जो है लिखा हुआ इन्होंने, और ये कलर दोस्तों आप देखें वाइट कलर में, ये इसमें एक जो है पैटर्न दिया हुआ है स्नोवी सा, बड़ा अच्छा ये इसका लुक देता है, एकदम ग्लास बैक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा जो है लुक दे रहा है ये। तो इसको जो है मैं अभी यहाँ से बूट करता हूँ और फिर इसकी जो है मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन की अगर मैं बात करूं, मैं स्क्रीन इसकी देख के हैरान हूँ, 6.67 इंचज़ की हमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है HDR10 के साथ प्लस के साथ। और बेजल्स दोस्तों आप देखें किस तरह के इसके बेजल्स हैं, काफ़ी थिन बेजल हैं, मतलब इस तरह के तो 12T प्रो में भी नहीं थे, और जितने इन्होंने थिन बेजल बनाए हैं मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ। कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं जिस तरह के आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। Xiaomi Redmi Note 12 टर्बो वाली इसकी जो है स्पेसिफिकेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और अभी जो है हम इसको सेटअप करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। इसकी जो है इंशाल्लाह हम आगे जाके और भी वीडियोस बनाएंगे गेमिंग की और बाकी सब वीडियोस, अभी तो मैं आप लोगों को खाली सेटअप करके दिखा रहा हूँ इसका। तो इसको भी जो हम स्किप करते हैं आई बिलीव यहाँ से, इसको फिर हम करेंगे एग्री, इसको भी स्किप करते हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा स्किप करके सेटअप करके इसका फिंगरप्रिंट का। और जो मेन सेटिंग दोस्तों आपने ये जो है इसको पर्सनलाइज्ड ऐड जो है इसको टर्न ऑफ करना है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसको भी स्किप करते हैं। तो MIUI 14 इसमें चल रहा है, एंड्रॉयड 13 वर्जन पे जो है बेस है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन तो मुझे इसकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और लाइट वेट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये लाइट वेट भी है, प्रीमियम फीलिंग आ रही है लेकिन इतना ज़्यादा हैवी नहीं है अगर हम आईफोन 14 प्रो मैक्स से कंपेयर भी करें तो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादा फ़ोन इतने भी ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को अनकम्फर्टेबल फीलिंग आए पकड़ने में। अभी जो है हम इसको नेक्स्ट करते हैं और ये फिर जो है होम स्क्रीन पर चला जाएगा Poco की।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी स्मूथ है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से और स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 की वजह से भी। तो कैमरा देखते हैं कैमरा में क्या हमें मिल जाता है इसमें 4K 60 FPS आई बिलीव नहीं मिलेगा जिस तरह, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह के 4K 30 FPS ही हमें सिर्फ मिल रहा है यहाँ पे कैमरा में, जो कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि 4K 60 FPS जो है अगर ऑप्शन मिल जाती है, हालांकि ये प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है, पोको F4 में भी 4K 60 FPS तक का हमें सपोर्ट मिल जाता है, पर आई बिलीव इसका कैमरा हम आगे जाके टेस्टिंग करेंगे किस तरह का इसका कैमरा है। अभी तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइटनिंग में, 64 मेगापिक्सल का जो है कैमरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स में मैं दोस्तों जाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 256 GB स्टोरेज है, 28 GB जो है आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने ये जो है ऑक्यूपाई की हुई है MIUI ने, और एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हैं 13 है, MIUI 14 वर्जन चल रहा है इसमें, और काफ़ी मतलब अच्छा ये जो है मतलब वर्जन है MIUI 14, कोई इसमें बग्स नहीं देखने को मिलते। पोको F4 में भी जब अपडेट हुआ था तो उसमें भी इतने बग्स नहीं थे देखने को मिले। तो दोस्तों इसकी जो है मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगा, और स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका टच भी और काफ़ी अच्छी। बेजल्स की अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा तो मैं बेजल्स को देख के शॉक्ड हूँ एकदम कि इतने थिन बेजल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिंगरप्रिंट है दोस्तों, अभी फिंगरप्रिंट सेटअप किया, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छा जो है चल रहा है जिस तरह के आप देख सकते हैं, बहुत फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने फिंगरप्रिंट भी बनाया है। इसकी डिटेल वाली वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में लगाऊंगा फुल जो इसका रिव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश रेट भी अगर हम बात करें इसमें डायनामिक रिफ्रेश रेट जिसको आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा उस हिसाब से, तो जो कि और भी अच्छी बात है। कस्टम पे आप इसको हमेशा के लिए 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला भी सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल डिस्प्ले की तो मुझे काफ़ी इसकी ज़्यादा अच्छी लगी है, कैमरा भी मुझे जो है अच्छा लग रहा है फिलहाल, और आप देख सकते हैं जिस तरह कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास कवर केस है जो कि फ्री में आता है बॉक्स में, इस तरह आप इसको लगा सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा जो है हमें फ्री कवर मिल जाता है। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, ओवरऑल मुझे तो ये जो है काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है डिवाइस है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, इसको शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पर, और जो सी भी आप लोगों ने वीडियो देखनी है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि अगली कौन सी आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।